सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे रोहतक के व्यापारियों के बीच, व्यापारियों से वोट की अपील के साथ कहा दीपेंद्र ने, भाजपा ने नहीं किया विकास का एक भी काम। कांग्रेस के रंग में रंगे नजर आए रोहतक के बाजार, गर्मजोशी के साथ व्यापारियों ने किया दीपेंद्र हुड्डा का अभिनंदन। दीपेंद्र हुड्डा एक सबसे दमदार शख्सियत है जिसको कि रोहतक का हीरा भी कहा जा सकता है, और चाहे उनकी टक्कर में कोई भी आए, चाहे कोई भी इलेक्शन लड़े, एमपी साहब यहाँ से बहुत ही ज्यादा वोटों से जीतेंगे। चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत भारी वोटों से विजयी होंगे। रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने आज शहर के बाजारों में व्यापारियों से वोट की अपील की। शहर के रेलवे रोड, भिवानी स्टैंड, किला रोड क्षेत्र में दीपेंद्र हुड्डा ने व्यक्तिगत रूप से व्यापारियों से मुलाकात की। दीपेंद्र हुड्डा ने अपने कार्यों का ब्यौरा भी व्यापारियों के सामने रखा। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ रोहतक लोकसभा के लिए काम किया है। साथ ही सांसद ने सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 5 वर्ष में एक भी उल्लेखनीय कार्य इस लोकसभा में नहीं किया गया। हर चुनाव का अपना एक महत्व रहता है। लोकतंत्र में कोई भी चुनाव मैं समझता हूँ कोई ऐसा चुनाव नहीं होता ऐसा कोई महत्व नहीं है, मगर ये चुनाव इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भाजपा ने 5 वर्ष तक जिस तरह की राजनीति हमारे प्रदेश में और देश में करी है, झूठ की और फूट की राजनीति करी है, झूठे वायदे किए, बड़ी बड़ी झूठ बोली और झूठ बोलते जा रहे हैं जिस पर कोई तरह का कोई अंकुश नहीं है। ऐसा लगता है कि पूरी जो है झूठ के आधार पर सरकार चलाई जा रही है, धरातल पे कुछ हुआ नहीं और पूरे देश में एक फूट की राजनीति करी जिससे देश का बड़ा कोई हित नहीं है। आपस में लोग अगर उलझेंगे तो आगे वाला भविष्य कैसा होगा। तो ये जो झूठ और फूट की राजनीति है, उस राजनीति से हरियाणा प्रदेश को जो है का छुटकारा दिलाने के लिए रोहतक लोकसभा सीट का नतीजा अहम होगा। ये भाजपा भी समझ रही है, ये प्रदेश की जनता भी समझ रही है और इसीलिए भाजपा का फोकस भी है जो जिस तरह से निशाने पे हम लोग को ले रहे हैं, और लोगों को भी ये बात समझ में आ रही है और हमें पूरा विश्वास है कि यहाँ से एक संदेश जाएगा, यहाँ के लोकसभा क्षेत्र के लोग प्रदेश की राजनीति को एक नया दिशा, नई मोड़ देने का काम करेंगे। शहर के बाजारों में वोट की अपील करने निकले दीपेंद्र हुड्डा का हर जगह जबरदस्त स्वागत हुआ। व्यापारियों ने उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया। शहर के प्रमुख बाजार कांग्रेसमय हुए नजर आए। मीडिया से बातचीत करते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि रोहतक लोकसभा का चुनाव परिणाम प्रदेश की राजनीति को एक नई दिशा देगा। मैं समझता हूँ कि भाजपा को इस बात का एहसास है कि जिस दिन यहाँ से नतीजा आएगा उस दिन प्रदेश की राजनीति को एक नई दिशा रोहतक मतदाता क्षेत्र का, रोहतक के मतदाता देने का काम करेंगे। जो भाजपा की झूठ की राजनीति है उस पे सच की विजय होगी, जो इनके झूठे वायदों और जुमले और हवाई वायदों की राजनीति है उसको शिकस्त धरातल पे कराए गए हमारे समय के काम, जो विकास कार्य है वो देंगे। जो इनकी तोड़ने वाली विचारधारा है उसको शिकस्त हमारी जोड़ने वाली विचारधारा देगी। तो ये मैं समझता हूँ चुनाव एक तरीके से इसीलिए महत्वपूर्ण है और हमें पूरा विश्वास है यहाँ से जीतेंगे हर वर्ग। एक मैं और बात कहना चाहूँगा, हर वर्ग इससे त्रस्त है, किसान, गरीब, चाहे छोटा व्यापारी, आज खास तौर से व्यापारी जिसको ये सरकार चोर कहती है, आज हम जा रहे हैं एक एक जो है एक एक शॉपकीपर के पास, एक एक व्यापारी के पास जब हम गए तो उनका दुख तकलीफ जो है उमड़ के सामने आ रहा है। वो बोल रहे हैं भाजपा ने एक तरीके से अर्थव्यवस्था का भट्टा बिठा दिया, गलत तरीके से नोटबंदी केवल अपने अहम को साबित करने के लिए की गई, उसके परिणाम क्या हुए वो सारे सबके सामने है। काले धन में वृद्धि हो गई, जो है आतंकवाद का नारा दिया गया था, किसी चीज़ पर अंकुश नहीं लगा। तो नोटबंदी, GST से छोटे व्यापार को ख़त्म करने का काम इस सरकार ने किया, अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठ गया, छोटे व्यापारी पर इंस्पेक्टर राज थोपने का काम इस सरकार ने किया है। और इसी का ये आक्रोश आज इन मार्केटों के अंदर आपने खुद देखा होगा, रेलवे रोड की बात हो, किला रोड की बात हो, इन मार्केटों में देखा जा रहा है। रेलवे रोड पर मौजूद व्यापारी और ग्रामीण युवकों ने दीपेंद्र हुड्डा के कार्यों की सराहना की। सबसे अहम बात यह है कि जो GST और ये नोटबंदी की वजह से जो आर्थिक व्यवस्था डगमगाई है, ये इसकी वजह से व्यापारी बहुत परेशान है और व्यापारियों की बहुत सारी परेशानियां हैं जिनको मौजूदा सरकार कोई तवज्जो नहीं दे रही। इस वजह से दीपेंद्र हुड्डा एक सबसे दमदार शख्सियत है जिसको कि रोहतक का हीरा भी कहा जा सकता है। मेरे हिसाब से दीपेंद्र हुड्डा से दमदार नेता रोहतक में कोई भी नहीं है और 100% अब की बार
बहुत अधिक वोटों से दीपेंद्र हुड्डा को जिता करके और हम लोकसभा में भेजेंगे। नहीं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी बहुत ज़्यादा वोटों से जीतेंगे, उन्होंने बहुत विकास कराए, हमारे बहुत ही प्रिय नेता हैं, सहनशील आदमी हैं और सबसे मिलनसार आदमी हैं। वो जितने मिलनसार आदमी पूरे हिंदुस्तान में कोई भी MP नहीं है, और चाहे उनकी टक्कर में कोई भी आए, चाहे कोई भी इलेक्शन लड़े, MP साहब यहाँ से बहुत ही ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत भारी वोटों से विजयी होंगे।